ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकान खुली है। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से 5 वायदे किए थे, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के सभी पदाधिकारियों को अमान्य करार दिया है। कुकी नगा और मेतेई समुदाय के बीच 3 मई से शुरू हुई हिंसा के बाद मणिपुर में मरने वाले लोगों की संख्या 71 हो गई है। यह जानकारी मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मणिपुर में हिंसा के दौरान करीब 230 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और 1700 घरों को जला दिया गया था। 10 दिन पहले हुई हिंसा के बाद यहां आज भी इंटरनेट बंद है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुमत से जीत हुई। इससे पहले शनिवार सुबह काउंसलिंग के बीच प्रियंका गांधी बजरंगबली की शरण में भी नजर आई। कर्नाटक में चुनाव के दौरान बजरंगबली को लेकर काफी विवाद रहा, इसके बावजूद उन्होंने हिमाचल के शिमला में जाखू में स्थित हनुमान मंदिर में माथा टेका। पाकिस्तान में 4 दिन से चले पॉलिटिकल ड्रामे के बाद शुक्रवार देर रात पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर से अपने घर जमान पार्क पहुंच गए। खान को इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट से एक साथ 3 राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में उन्हें 2 सप्ताह के लिए जमानत दे दी। जोधपुर के जोजरी नदी के पास निर्माणाधीन पुल में 3 दिन से लापता युवक की बॉडी शुक्रवार को मिली। मामले को लेकर आज परिजन और समाज के लोग MDM मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवक की हत्या की गई है। जोधपुर की ग्रामीण पुलिस ने 44 किलो अवैध डोडा पोस्त एवं एक अवैध पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिलने पर बालेश्वर में एक घर में सर्च के दौरान घर के बाथरूम के पास एक अंधेरे कमरे में डोडा पोस्त से भरे कट्टे नजर आए। इन दिनों आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पुलिस भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। जिनके जिम्मे सुरक्षा है वो खुद पिटाई की शिकार हो रही हैं। ताजा मामला पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी बख्तासनी थाना क्षेत्र के झालामंड का है। यहां झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस से झगड़ा करने वाले ने धक्का मुक्की की। घटना आदर्श नगर की बताई जा रही है। धक्का मुक्की के दौरान एक कांस्टेबल की वर्दी के बटन तोड़ दिए गए, वही दूसरे कांस्टेबल के हाथ की एक अंगुली भी काट ली गई। जोधपुर में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी की सीवरेज की सफाई करने के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उसे सीवरेज से उतारा वह बेहोश हो गया। निगम को सूचित करने के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आज यानी शनिवार को दिल्ली में सगाई करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली के कपूरथला हाउस में आयोजित होने जा रहा है। रिंग सेरेमनी के दौरान परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा भी दिल्ली पहुंची है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री उर्फ रोशन भाभी ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब वे अपने को स्टार भिड़े पर भड़क गई हैं। उन्होंने भिड़े को असित मोदी का सपोर्ट करने के लिए निशाने पर लिया है। जेनिफर ने कहा कि मंदार उर्फ भिड़े वही बात कहेंगे जो असित मोदी उन्हें करने को कहेंगे।
सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में सरकार जल्द एक कॉरिडोर का निर्माण करेगी। इस कॉरिडोर के जरिए VVIP और साधारण श्रद्धालु तोरण द्वार से पहले बने पार्किंग एरिया से सीधा लखदातार ग्राउंड पहुंच सकेंगे। VVIP और साधारण श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सड़कें बनाई जाएंगी। करप्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर सचिन पायलट की जंग संघर्ष यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज से सोमवार तक यात्रा जयपुर जिले में चलेगी। CBSE के 12वीं और 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें जयपुर के स्टूडेंट्स ने शानदार मार्क्स हासिल कर नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जयपुर की अहिंसा जैन ने 12वीं आर्ट्स में YouTube से पढ़ाई कर 99.6 मार्क्स हासिल किए हैं। वहीं 12वीं कॉमर्स में नेसी गुप्ता ने सेल्फ स्टडी कर 99.4% मार्क हासिल किए हैं। राजस्थान में तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। जोधपुर समेत 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऐसे में ये शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य में बादल छाने के साथ ही आंधी चलने की आशंका जताई है। जयपुर के जैन मंदिर में एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया है। दीवार कूदकर मंदिर में घुसे दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लॉकर तोड़कर बदमाश मंदिर में रखा दान पात्र चोरी कर ले गए। मंदिर परिसर में लगे CCTV फुटेज में चोरी की करतूत कैद हो गई है। मानसरोवर थाना पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। जयपुर में रहने वाले एक पिता ने अपने 4 साल की बेटी को कर्जदार को सौंप दिया। कर्जदार उस मासूम बच्ची से भीख मंगवाता रहा। इसी बीच लड़की के 6 साल के भाई ने बच्ची को ढूंढ निकाला, फिर कोटा पहुंच गया। बाल कल्याण समिति ने दोनों बच्चों को कोटा रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। काउंसलिंग करने पर पूरी कहानी ये सामने आई है। भरतपुर जिले के डीप कस्बे में बदमाशों ने 12वीं क्लास के स्टूडेंट को सरेराह किडनैप कर लिया। घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बदमाश वैन में छात्र को जबरन डाल कर ले जाते दिख रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इंटरनेट पर चल रहे फेक एडवर्टाइजमेंट में उनका नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मंथन चैनल को। धन्यवाद।